आज की इस वीडियो में बीएड काउंसलिंग से संबंधित न्यूज को जानेंगे कि क्यों 70 मार्क से अधिक लाने वाले स्टूडेंट का फर्स्ट लिस्ट में नाम सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 36-37 मार्क लाने वाले स्टूडेंट का भी नाम फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट काउंसलिंग के लिए सिलेक्टेड हो गया। तो आइए जानते हैं न्यूज को विस्तार से। यहाँ पर आप न्यूज को देख सकते हैं, अच्छे कॉलेज के चक्कर में नामांकन का मौका खोया। सीटी बीएड में चयनित कई ऐसे छात्र हैं जिनका मार्क्स काफ़ी अधिक है, लेकिन उनका नामांकन के लिए होने वाले काउंसलिंग में चयन नहीं हो सका। 70 अंक लाकर भी कईयों को कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसे भी छात्र हैं जिनका 36-37 अंकों पर चयन हो गया है। मार्क्स के इतने बड़े अंतर के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि बीएड के कुछ चुनिंदा कॉलेज जहां कट ऑफ हाई रहता है, अधिक अंक पाने वाले छात्र वहां नामांकन लेना चाहते हैं। इस चक्कर में वे अन्य कॉलेजों को प्राथमिकता में नहीं रखते और चयन से वंचित हो जाते हैं। इसलिए इस बार नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों को चयन करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट है कि 5-10 कॉलेज को चयन किए और चयन किए ही नहीं। उनके मन में भय था कि अगर हम 10 कॉलेज से अधिक चयन करते हैं तो कहीं 10 के बाद जो उसका अगला ऑप्शन है उसमें न कहीं भेज दें। इस चयन में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी मामला गड़बड़ाया। पिछली बार जो कट ऑफ सूची जारी की गई थी उसमें कई अच्छे कॉलेजों में 70-75 अंकों में भी नामांकन हुए थे। जिन छात्रों को अधिक अंक आए थे उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में चुनिंदा कॉलेजों का चुनाव किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें एक भी कॉलेज नहीं मिला। दूसरा कारण यह भी है कि उन्हें भरोसा था कि दूसरे तीसरे लिस्ट में उनका मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इस चक्कर में उनका मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग की फीस जमा करने की आज अंतिम तिथि, हालांकि 15 अप्रैल तक ही थी, समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 से 30 अप्रैल के बीच काउंसलिंग की जाएगी। छात्रों को ऑनलाइन कॉलेज अलॉटमेंट की जो पर्ची मिली है उनके अनुसार दिन और समय देखकर छात्र काउंसलिंग के लिए ज्ञान भवन पहुँचेंगे। अगर आप लोग बीएड काउंसलिंग से संबंधित न्यूज को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।